हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर गुड एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो अप्रैल में हमने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का नेम है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर्स अप टू 10। ओके, सो स्टार्ट्स। सबसे पहले हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन मींस। सब्ट्रैक्शन का मींस क्या होता है एंड इट इसको डिनोट किस सिंबल से करती हैं और इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सब सब्ट्रैक्शन का मींस होता है टेक अवे। लेट्स एग्जांपल, जैसे कि आपके पास इसमें 5 मैंगो हैं। अब इस गर्ल ने क्या किया है, 2 मैंगोस ले लिए हैं, टेक अवे कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके पास रिमेनिंग कितने एप्पल बचे, ये हमारा होता है सब्ट्रैक्शन का मींस। सो इट इसे डिनोट या डिनोटेड किस सिंबल से किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, माइनस। इट इज कॉल्ड माइनस। इट कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे कि इधर लिखा है 5। आपके पास कितने मैंगो हैं प्लेट में, 5 मैंगो हैं, तो आपने डिजिट में 5 लिख दिया। ठीक है, और फिर इस सिंबल्स का यूज़ किया और आपने इधर लिख दिया माइनस। ठीक है, और कितना टेक अवे, 2 मैंगोज लिए ना आपने, तो 2 से पहले माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, और इसको हम कैसे यूज़ द स्ट्रोक मेथड, स्ट्रोक मेथड का यूज़ करके हम इस तरीके से इसमें से 5 मैंगो, 2 मैंगोस, 3 मैंगोस, 4 मैंगोस एंड 5 मैंगोस। इसमें से कितने मैंगोस इसने ले लिए हैं, 2 मैंगोस, तो 2 को कट कर देंगे हम। हमारे पास टोटल कितने मैंगोस बचे हैं, 1, 2, 3। तो हमारा जो रिमेनिंग बचता है वो हमारा क्या आता है, आंसर। इट इज अ सब्ट्रैक्शन। डन। अब हम पढ़ेंगे टर्म इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के टर्म्स क्या क्या होती हैं। सब्ट्रैक्शन का एक टर्म होता है मिन्यूएंट। मिन्यूएंट क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसमें से कोई अनोदर सब नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि इस 5 में से, इधर जो 5 थे, इस 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या है, मिन्यूएंड। और सब्ट्राहेंड क्या होता है, सब्ट्राहेंड वो नंबर होता है जिसको माइनस किया जाता है, और इसका जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं या रिमाइंडर। तो आपको टर्म इन सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। डन। और इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जितो था वर्टिकल, और इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। जैसे कि 6, इधर एक और एग्जांपल दिया है सिमिलरली, 6 क्या है आपका, मिन्यूएंड। और सब्ट्राहेंड हम जिसको माइनस कर रहे हैं, 6 में से हम किसे माइनस कर रहे हैं, 4 को, तो इट इज अ मिन्यूएंड, क्योंकि 6 में से माइनस कर रहे हैं और किसको, 4 को, इट इज अ सब्ट्राहेंड। अब इसका आंसर कितना आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो, अब 6 आप फिंगर से काउंट कर सकते हो, स्ट्रोक बना बना कर काउंट कर सकती हो। ठीक है, अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आंसर आता है, और इस आंसर को हम क्या बोलते हैं, इसके 2 नेम्स हैं, इसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं और रिमाइंडर भी। डन। अब पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया, टेक अवे 5 एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 8 एप्पल।
अब आपके पास एक ग्रुप में कितने एप्पल हैं? 8 एप्पल्स। ठीक है, अब आपने उसमें से कितने एप्पल टेक अवे कर लिए, मतलब आपने अपने पास ले लिए कितने एप्पल टेक अवे कर लिए? 5 एप्पल। तो आपके पास अब यहाँ पर 8 एप्पल थे, वहाँ पर कितने एप्पल रिमेनिंग बचेंगे? तो इसमें से हम देखेंगे, जैसे कि इसमें देखो, इस बॉक्स में कितने एप्पल हैं? 8 एप्पल। अब ये 5 एप्पल इन्होंने टेक अवे कर लिए, ठीक है, इन्होंने ले लिए। अब इनके पास कितने एप्पल बचे हैं, इनको काउंट कीजिए, 1 2 3। अब कितने एप्पल लेफ्ट बचे हैं? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। डन। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मीन्स होता है इस तरह से लिखते हैं। अब जैसे कि मैंने इसी को अगर ऐसे लिख दिया 8 5, और इधर माइनस का साइन लगा दिया, और इसका आंसर क्या आएगा इधर? 3। तो इट इज़ अ वर्टिकल फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल फॉर्म। अगर इस टाइप में लिखा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। आप -2 टाइप से कर सकते हो, इट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड इट इज वर्टिकल फॉर्म। डन। तो इधर लिखें 8। अब इसमें ये सिंबल्स यूज करते हैं माइनस का, कैन टेक अवे। जब भी आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए आपने इतने टेक अवे कर लिए टोटल में से, तो आपको वो माइनस, उससे पहले क्या लगाना पड़ता है? माइनस का सिंबल्स यूज करना पड़ता है। जैसे कि इधर क्या लिखा था, 5 टेक अवे 5 एप्पल। ठीक है, तो टेक अवे 5 एप्पल यानी 5 से पहले माइनस का साइन यूज करना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है इधर, इसको जैसे कि इसमें है क्वेश्चन, 3 वर्ड्स फ्लू अवे, यानी 3 वर्ड्स क्या हो जाते हैं? फ्लू अवे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 8 वर्ड्स। 8 वर्ड्स का ग्रुप है। अब इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को काउंट करो, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से क्या कर रहे हैं? 3 वर्ड्स फ्लू अवे यानी उड़ रहे हैं, तो इन तीनों को हमने उड़ा दिया, 1 2 3। अब इस नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, इसकी नेक्स्ट पिक्चर है, इसमें ये 3 वर्ड्स उड़ गए। अब कितने वर्ड्स रिमेनिंग बचे हैं, कितने वर्ड्स बचे हैं, तो इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरह इधर लिखा है 8 माइनस 3, टोटल कितने वर्ड्स थे? 8। 8 में से 5 माइनस, सो हमारे पास, सॉरी, कितने वर्ड्स फ्लू हुए थे? 3 वर्ड्स। तो 8 3 वर्ड्स फ्लू अवे, एंड रिमेनिंग कितने वर्ड्स रह गए हैं? 5। सो 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारी अब आ गई है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज फर्स्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट। आपके पास कितने बलून्स लेफ्ट बचे हैं, मतलब कितने बलून्स बचे हैं? अगर यू टेक अवे, इनमें से आप 3 बलून्स टेक अवे कर लेते हो, यानी आप 3 बलून्स इनमें से ले लेते हो, तो आपके पास कितने बलून्स बचेंगे? मेक अ सब्ट्रैक्शन इक्वेशन। आपको क्या करना होगा, इस तरह से सब्ट्रैक्शन इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होगा। डन। तो आप इसको कैसे करोगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो इन बलून्स को काउंट करना है, टोटल कितने बलून्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने बलून्स हैं? 8। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8।
अब थिली बलून्स क्या हो गए, लैप, मतलब आपने टेक अवे कर लिए। अब ये तीन बलून्स मैंने ले लिए हैं, तो अब मेरे को क्या टेक अवे मीन्स क्या करना है, टेक अवे का मीन्स क्या होता है, मैंने इधर बताया था आपको, यानी थ्री से पहले माइनस लगाना होगा। ठीक है, अब आपके पास कितने बलून्स बचे हैं, आप इनमें से काउंट कर लो आप कितने बलून्स बचे हैं, 1 2 3 4 5। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, सो इस तरह से हम इस बॉक्स में लिख देंगे। अब नाउ मेक सब्ट्रैक्शन इक्वेशन। अब आपको इस क्वेश्चन की सब्ट्रैक्शन इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर 9 लिखना है। ठीक है, अब टेक अवे कितना किया है, 3, तो 1 2 और 3। ठीक है, इनको टेक अवे कर दिया। अब आपके पास कितना बचा है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। सो आंसर क्या हो जाएगा, 6। से इसको अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। डन। सो इस तरह से ये वाले आप सबको सॉल्व करना है खुद ही। ठीक है, एक्सेस योर सेल्फ। अब इस वाले को हम समझते हैं, नीचे क्वेश्चन नंबर वी, जैसे कि इसमें दिया राइट डिफरेंस, राइट द डिफरेंस और रिमाइंडर। मैंने आपको बताया था डिफरेंस और रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा आंसर होता है वही हमारा डिफरेंस और रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपके पास क्या गिवेन है, जैसे कि 7 माइनस 2 फर्स्ट वाला है, ये हमारा क्या होता है, मीन्यू एंड, और ये क्या होता है हमारा शप्ट्रा हैंड, और हमें इसका क्या निकालना है, इधर हमें डिफरेंस और रिमाइंडर इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आप फिंगर्स पर इनको काउंट करना। ठीक है, जैसे कि आपके कितने एंड्स होते हैं, टू हैंड्स होते हैं, मैं हैंड्स ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ठीक है, और ये हो गया आपका हैंड, जिसकी एक उंगली, दो उंगली, तीन, चार, एंड ये आपका थंब। ठीक है, अब ऐसे ही एक और हैंड, 1 2 3 4 5। अब आपको हैंड्स पर काउंट करने हैं, 10 फिंगर, 8 फिंगर एंड 2 थंब होते हैं आपके दोनों हैंड्स में। अब आपको इस वाले में कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको अपने 7 फिंगर्स का यूज़ करना है, और इनको आप ऐसे, सॉरी, चलो आप स्ट्रोक मेथड का यूज़ करके काउंट कर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 स्ट्रोक्स बनाना है, और उसमें से कितना माइनस करना है, 2। तो 7 में से आप 2 माइनस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 2 3 4 5। सो आप इधर आंसर लिख दो कितना सब्ट्रैक्ट डिफरेंस आया है आपका, 5। और ऐसे ही 2 वाले में 9 में से आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, आप अपनी फिंगर्स पर ही काउंट करके इनके आंसर दोगे। ठीक है, फिंगर्स पर काउंट करना है आपको, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आंसर आएगा आपका, 5। और 3rd वाले में फिंगर्स पर 4 फिंगर काउंट करना, फिर 2 फिंगर्स को डाउन करना, अब आपके पास कितनी फिंगर्स हैं, 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, इस तरीके से आपको फिंगर्स का यूज़ करके इनके डिफरेंस फाइंड करनी है। ठीक है,
और इनको आप घर पर प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। सो टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, सी यू।